मनोज जी शुरू करें तबसरा। एक बात बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बड़ा बयान। मैं मेरा बड़ा बड़ा बयान नहीं है इस वक्त, दुनिया का बड़ा बयान। आई थिंक 140 करोड़ इधर और 30 करोड़ उस तरफ, ये हर कोई कह रहा होगा कि यार ये फालतू में जो डिबेट चलता था ना, विराट वर्सेस बाबर, बाबर वर्सेस, हम भी गिल्टी हैं, वो डिबेट था ही नहीं, हम समझाते थे आपको बस। हाँ वो बात नहीं है, बात ये थी नहीं, विराट बाबर में ये तो हमेशा था कि विराट बन चुके तो पहले भी, और विराट बनने के बाद अभी रुके नहीं है, दैट्स द पॉइंट। का ओवर हो गया था जब मैं शेहोब को भी लिया बाबर के पास ना, पॉइंट वही है। मैं मानता हूँ इम्पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं है कि 368 कभी चेज नहीं है। आपके ओपनरों ने, हम तो कह रहे थे 50 रन दे रहे, 134 दिए 21 ओवर में। वालेकुम फ्रेंड्स, मिस्टर केजी टी पर खुश आमदीद। दोस्तों, इस चैनल पर आपको वर्ल्ड कप 2023 के बारे में क्रिकेट एक्सपर्ट की ओपिनियन देखने को मिलेंगी, तो चलते हैं सुनते हैं जी। शुरू करें तबसरा जी। एक बात बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बड़ा बयान। मैं मेरा बड़ा बड़ा बयान नहीं है इस वक्त, दुनिया का बड़ा बयान। आई थिंक 140 करोड़ इधर और 30 करोड़ उस तरफ, ये हर कोई कह रहा होगा कि यार ये फालतू में जो डिबेट चलता था ना, विराट वर्सेस बाबर, बाबर वर्सेस, हम भी गिल्टी हैं, वो डिबेट था ही नहीं, हम समझाते थे आपको बस। आपने कब समझाया? इतने दो महीने से कब समझाया? समझा रहे आपको नहीं, एशिया कप से पहले, एशिया कप से पहले विराट बनने के बाद अभी रुके नहीं, शेहोब को भी लिया बाबर के पास ना, पॉइंट वही है। शेहोब ने भी इंडिया में आकर फंसे, बाबर आजम पे जितना मर्जी प्रेशर था, नहीं था, बाबर आजम ने अपनी टीम चुनी नहीं चुनी हमें नहीं पता, बट द फैक्ट इज कि बाबर के पास ये वर्ल्ड कप था। और एक क्रिकेटर का ना ड्रीम होता है कि मैं, मतलब जहां पर नीचे लग गई टीम, इतना बड़ा मैच और मैं जाऊंगा जिताऊंगा। यार आज 134 रन आपके ओपनर से दे दिए 21 ओवर में, आप 368 चेज कर रहे हो यार, विच इज इम्पॉसिबल। मैं मानता हूं इम्पॉसिबल है, पर ऐसा नहीं है कि 368 कभी चेज नहीं है। आपके ओपनरों ने, हम तो कह रहे थे 50 रन दे रहे, 134 दिए 21 ओवर में। वहां पर सिंपल मैथ क्या कहती है, 234 रन रह गए, 29 ओवर है, और विराट के पास दो बहुत बड़े हथियार हैं बल्ले के अलावा। एक तो है उनके माइंड में जो कैलकुलेटर होता है, और उनके हाथों में जो कंपस होता है, वो कंपस पूरा घूमता है ना 360, कहां पे लेके जाना है बाबर को ना, आज मैच जिताना है, मैच ना जिताते लेके जाते, हम तो चलो छोड़ो भाई, हमने, मैंने डिबेट में कभी ये नहीं कहा था बाबर विराट से बढ़िया है, आपने भी किसी ने नहीं कहा, पर ये डिबेट चलता था, होती थी, ये चलता था फैब फोर में, आप नए बाबर आ गए हैं, और भाई विराट कोहली आज भी ना, नहीं विराट कोहली तो सर कोसो लेकिन विराट, मैं कह रहा हूँ आज खराब दौर में विराट नहीं खेला, नहीं वो छोड़ दो, खराब 100 नहीं आ रहे थे ना, खराब दौर में रन तो आ ही रहे थे ना, तो दोबारा चलो अब फर्क पहले 13-14 महीने का यार, उफ सर। अगर विराट आज जो बैटिंग कर रहे हैं ना मनोज, ये मतलब उनकी जो जवानी का पीक था, ये पीक दोबारा, ये सचिन तेंदुलकर पार्ट टू है, सचिन का भी जब लगा खत्म, सचिन ने जो एक दुबारा निकाला वो, और वो सचिन फिर शिखर, और उसने ज्यादा रन ठोके सर, तो आज पाकिस्तान हार गए जी, और पाकिस्तान 62 रन से मैच हार रहा है, दे वर चेजिंग 368, आपको 305 रन उनके दिख रहे हैं, आपको 62 रन का फासला है, लेकिन एक वक्त वो भी था, मैं कहता हूँ बाबर भी आउट हो गए, एक वक्त था चाचा आए, चाचू आए, चाचू ने आके मारे छक्के, तीन मारे पहले दो खड़का एक ओवर में, फिर रिजवान ने मारा, फिर चाचू ने मारा, भाई वो गेम फिर पाकिस्तान की, लेकिन उस वक्त आप कमेंट्री सुन रहे थे, हम सब सुन रहे थे, वकार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे, तो कमेंटेटर ने पूछा वकार आप कितने परसेंट चांस देते हो पाकिस्तान के, 11 ओवर में 99 है, मैं उसको T20 देख रहा था, भाई 20 ओवर में आप 180 लेते हो वहां पर भी पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था।